फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबके स्मार्ट क्यूरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिकी पजल्स। यकीन मानो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ना, पजल ट्रिकी है। कहाँ से हमने पिक करा? आरबी स्केल 1 के मॉक टेस्ट से हमने पिक करा है, जो आप टेस्ट जोन पे देते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वीडियो शॉर्ट है इसलिए। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। सेवन मेल एथलीट्स, शिव थापा, अविना बिंद्रा, विकास गोड्डा, जिनसन, जीतू, विनय कुमार एंड गगन आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर अ फोटो शूट। ठीक, तो उसके बाद ये पॉइंट्स दिए हैं। तो भाई ये सेवन लेफ्ट से लेके राइट तक। ठीक, सबसे पहले क्या बोल रहा है, विनय कुमार एंड अविना बिंद्रा हैव टू एथलीट्स बिटवीन देम। विनय कुमार इसे लिख लेते हैं कहीं, एंड अविना बिंद्रा हैव टू एथलीट्स बिटवीन देम। ठीक, नेक्स्ट, शिव थापा इज द जूनियर मोस्ट एथलीट एंड इज एट स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो शिव थापा को हम मान लेते हैं, मान लो ए वन लेफ्ट हैंड पे, यानी सेवन है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ए वन इधर है तो इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक ही उस लाइन से हम दो बार ड्रॉ कर सकते हैं। एनी टू एटलीस्ट हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर डू नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, मतलब जैसे विकास गोडवा और विनय कुमार एक साथ नहीं हो सकते, और जीतू राय और जिनसन एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर। नेक्स्ट, सिंस जीतू राय इज द हाईएस्ट पेड एथलीट ही स्टैंड्स ओनली एट द सेंटर। तो सेंटर मतलब जीतू राय इधर आ गए, इस केस में भी जीतू राय इधर आ गए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसे आप ड्रॉ कर लो 1 2 3 4 5 6 7, अदरवाइज एक ही बार में काम हो जाएगा। विकास गोटवा हैज एग्जैक्टली वन एथलीट टू इज राइट, तो यानी विकास गोटवा इधर आ गया, इस केस में भी विकास कोटवा इधर आ गया। नेक्स्ट, ऑल्सो विनय कुमार इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीतू राय एज विकास। तो कितना डिस्टेंस है एक का, तो विनय कुमार आपका इधर आ जाएगा, एक विनय कुमार इधर आ जाएगा, इसी तरीके से विनय कुमार इस केस में भी इधर आ जाएगा। हमें पता है दे आर टू एथलीट्स बिटवीन विनय कुमार एंड अभिनव बिंद्रा, तो भाई एक दो यानी अभिनव बिंद्रा इधर आ जाएंगे, इस केस में भी अभिनव बिंद्रा आपके इधर आ जाएंगे। बताइए क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? अच्छा, अब एक पॉइंट मेरे सामने था, अब आपके सामने बच्चा जेनसन। जेनसन कहाँ आएगा? देखो जेनसन इधर नहीं आ सकता, बिकॉज हमें पता है हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर डू नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो जेनसन आपका कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, इस केस में जेनसन कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। तो गगन नारायण बच्चे आपके, गगन नारंग, भाई गगन नारंग आपके बच्चे उन्हें इधर प्लेस कर दो। कितना टाइम लगा बता? इजी क्वेश्चन है कि नहीं? अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज जाते हैं, दो अरेंजमेंट आते हैं। देखो तो यहाँ तक तो दोनों सेम है भाई, इसमें सीधा इधर और कर दो, इधर और केस है ये आपका, समझ लो। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, देख रहे हो ये? ठीक, तो ये इधर और केस हो गया, तो अभी आपके इजी हो गया। अब देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट राइट ऑफ जीतू राय। तो जीतू राय के इमीडिएट राइट में कौन था? अभिनव बिंद्र। क्लियर, पीछे से आप अरेंजमेंट देख लेगा ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स एट इज एट द एक्सट्रीम एंड। देखो इधर और केस आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सी एंड डी, यू कांट, यू कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर, राइट? कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एथलीट्स आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ गगन नारायण। कितने थे? देयर आर टू एथलीट्स, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज आंसर क्या हमारा? टू। ठीक है, टू एथलीट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज विनय कुमार पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अभिनव बिंद्रा। तो हमारी कौन सी पोजीशन थी? थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। आप चेक कर सकते हो अरेंजमेंट में पीछे, है ना, यही आंसर है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। और व्हाट हुआ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जीतू राय, तो कौन कौन है जीतू राय के नेबर्स? गगन नारंग एंड अभिनव बिंद्रा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस था? ईदर और केस। ठीक, ये कौन सा केस था? इधर और। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एसबीआई क्लर्क मेंस का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तीन वेरिएबल का क्वेश्चन। देखो पर्सन दिया है, प्लेसेस दिया है, और नंबर ऑफ ट्रॉफीज दिए, तो कितने वेरिएबल होगा इसमें? थ्री वेरिएबल्स क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को करना कैसे। एक वेरिएबल को आपको सीधा फिक्स कर देना है, समझ लो, एक वेरिएबल को आपको सीधा फिक्स कर देना है। मैंने किसे फिक्स करा? पर्सन को। तो
और टॉफीज को और प्लेस को आपको एज इट इज जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो सेशन को लाइक करो, कमेंट करो, इस तरह के और ट्रिकी पजल चाहते हो एटलीस्ट कमेंट में आप हमें बताओ। अच्छा इसके क्वेश्चंस और देख लो, जिनका आंसर जिनका हो जाए क्वेश्चन वो हमें आंसर देंगे। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो प्लीज कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि इसका वीडियो आज ही आए तो प्लीज कमेंट करके बताओ, आपको इस पजल का वीडियो आज ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना। फ्रेंड्स प्लीज लाइक करो, एटलीस्ट कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट सेशन किसका चाहिए, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप भेजते रहो। वीडियो आपका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।